स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं नीट और जेईई की लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। आपके एग्जाम बहुत चर्चा में है क्योंकि पोस्टपोन्ड होना ही तय है ऐसा मेरे को लगता है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो जेईई एग्जाम, नीट की एग्जाम, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के सर्कुलर की अपडेट और करंट अफेयर जनरल नॉलेज की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। शुड नीट एंड जेईई मेन 2020 बी पोस्टपोन्डेड? 87% रिस्पोंडेड वांट टू कैंसल सितंबर एग्जाम डेट। जो ऑनलाइन सर्वे हुआ था गूगल फॉर्म के माध्यम से, तो सब स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया। इनमें सभी स्टूडेंट ने 87% स्टूडेंट ने सितंबर में जो नीट की और जेईई की एग्ज़ाम होने वाली है इसको कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, अगले महीने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए, इनकी राय पेश की है। 87% यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने एग्जाम को कैंसिल करना कहा है। जेईई मेन 2020 एंड नीट 2020 एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड ड्यू टू कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द सितंबर। timesnow.com की न्यूज आर्टिकल में आया था कि कंडक्टेड पोल ऑन द वेदर द एग्जाम शुड बी पोस्टपोन्डेड अगेन द हियर व्हाट पीपल द से। जैसे मैंने बताया कि एक सर्वे किया गया था गूगल फॉर्म के माध्यम से, सभी स्टेट में किया गया था, सारे स्टेट के स्टूडेंटों ने यूनियन है change.org इसने सर्वे किया था स्टूडेंट की राय जानने के लिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 87% स्टूडेंट ने ऐसी राय दी है कि जो सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है उसको हाल पूर्ती मौकूक रखा जाए क्योंकि इस कोरोना की महामारी में डे टू डे केस इंक्रीज होते जा रहे हैं और इस कोरोना की महामारी में जेईई और नीट की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी मिनिस्टर भी कुछ कर रहे हैं, एक साइड से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन भी चल रहा है और स्टूडेंट भी पेटिशन कर रहा है, स्टूडेंट ट्रेंडिंग ट्विटर ट्रेंडिंग भी चला रहा है और पेरेंट का यूनियन भी सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी, जो पेरेंट गई है सुप्रीम कोर्ट में, स्टूडेंट ने जो यूट्यूब ट्रेंड चलाया पोस्टपोन द जेईई एंड नीट एग्ज़ाम की, जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, आप एजम्पशन मत लगाइए जेईई और नीट की एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी और आपका जो आगे की प्रोसेस है जेईई मेंस हो, आपकी MBBS की प्रोसेस या इंजीनियरिंग की कॉलेज की एडमिशन की प्रोसेस आपके 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बेस ऊपर हो, आप ऐसा एजम्पशन मत लगाएं। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। नीट के स्टूडेंट हो तो नीट की और जेईई स्टूडेंट हो तो जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। और दोस्तों दूसरा मैं बता देता हूँ कि नीट और जेईई की एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही आ रहा है 87% का रिस्पॉन्स। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल के जितने भी ग्रुप है अपने स्टडी रिलेटेड, फैकल्टी रिलेटेड, सब ग्रुप में वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि अपने फ्रेंड को भी पता चल जाए कि जो ट्रेंडिंग चला था, जो ओपिनियन टाइम्स नाउ ने जो सर्वे किया था इनमें 87% स्टूडेंट मना कर रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।